एक ओर जहां राज्य सरकार लगातार सरकारी विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था विसुविधाओं को लेकर दावे कर रही है, वहीं कई स्थानों पर धरातल परिस्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। शहर के मस्ता रोड लोहार कॉलोनी स्थित प्राथमिक विद्यालय गत 12 सालों से एक सामुदायिक भवन में संचालित किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि विद्यालय प्रबंधन की ओर से उच्च अधिकारियों को विद्यालय का स्वयं का भवन उपलब्ध कराने को लेकर पत्र न लिखा गया हो। बीते 12 वर्षों में विद्यालय प्रबंधन द्वारा कई बार शिक्षा विभाग व उपखंड अधिकारी को पत्र लिखकर विद्यालय का स्वयं का भवन दिलाए जाने को लेकर कई बार पत्र लिखा है, परंतु आज तक दिए गए पत्रों पर कोई नतीजा नहीं निकला है। विद्यालय से कार्य कर रही शिक्षिका ने बताया कि साल 2005 में लोहार कॉलोनी में प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हुआ था, जिसके बाद 2010 तक विद्यालय कभी खुले में तो कभी किराए के भवन में संचालित किया गया। वही 2010 में उपखंड में अधिकारी द्वारा स्वयं का भवन नहीं होने तक विद्यालय का संचालन क्षेत्र के सामुदायिक भवन में किए जाने की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसके बाद 2010 से ही यह भवन सामुदायिक भवन में संचालित किया जा रहा है। सामुदायिक भवन में विद्यालय संचालन होने के कारण कई बार अध्यापकों को क्षेत्रवासियों की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों के घरों में किसी प्रकार का सामाजिक कार्यक्रम होने पर भवन को लोगों के उपयोग के लिए भी देना पड़ता है, जो स्टाफ के लिए परेशानी की वजह बनता है। मालूम हो कि राजकीय लोहार कॉलोनी प्राथमिक विद्यालय में वर्तमान में 45 बच्चे अध्ययनरत है, जिसमें 17 बालक व 29 बालिकाएं शामिल है। वही विद्यालय में 2 महिला अध्यापक कार्यरत है, जिसमें से 1 अध्यापक गत 11 महीनों से स्वास्थ्य परेशानियों के चलते मेडिकल लीव पर है। इसी कारण 46 बच्चों को अध्ययन कराने, पोषाहार वितरण, दूध वितरण सहित अन्य कार्य विद्यालय में कार्यरत एकमात्र अध्यापक पर आ गया है, जिसका प्रभाव विद्यालय में बच्चों के अध्ययन पर पड़ रहा है। हालांकि हाल में SMC से प्रस्ताव पारित करवाकर विद्यालय में युवतियों को सहायता के लिए नियुक्त किया है। ज्ञात रहे कि गत 2010 से विद्यालय सामुदायिक भवन में संचालित है। विद्यालय को स्वयं का भवन उपलब्ध कराए जाने को लेकर कई बार अधिकारियों को पत्र लिखा जा चुका है। इसके साथ ही विद्यालय में अध्यापक की भी कमी है। मेरे अलावा अन्य महिला अध्यापक स्वास्थ्य कारणों के चलते अवकाश पर है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गाड़ी तलवार मस्त है। ये विद्यालय 2005 से खुला है और उस समय से मैं यहाँ पे पद स्थापित हूँ। 6 वर्ष तक मैंने इस विद्यालय को रोड पे चलाया, किसी के भवन में चलाया, और अब 2010 से ये विद्यालय सामुदायिक भवन में जो चल रहा है। SDM साहब की कृपा से 2010 से इस विद्यालय को जो है ये भवन मिला, तब से अब तक ये विद्यालय इसी भवन में ये विद्यालय चलता है। और इसमें अभी नामांकन 46 है और 2 अध्यापिका हम इसमें कार्यरत हैं, जिसमें 1 अध्यापिका अभी लंबे समय तक अवकाश पर चल रही है। और विद्यालय भवन के लिए मैंने विद्यालय अपने SMC सदस्य के द्वारा कुछ पहले 4-5 साल पूर्व में मैंने सूचित किया था, डिपार्टमेंट को लिख के भी दिया, अभी तक तो उस पर कार्य नहीं हुई। समाज के लोग इस भवन के लिए जो है प्राप्त करने के लिए मुझे कहते हैं, लेकिन मेरा आदेश नहीं कि मैं इनको वापस भवन दूँ। तो यदि विद्यालय का भवन खुद का हो जाए, ताकि ये सब गाड़ी तलवार बस्ती समाज को ये भवन वापस दिया जा सके। दरबार दरबार आपका अपना मेला आपके शहर ब्यावर में दरबार मेगा ट्रेड फेयर, जिसका भव्य शुभारंभ दिनांक 15 दिसंबर से मिशन स्कूल ग्राउंड ब्यावर में अवश्य पधारकर इस शॉपिंग उत्सव का जमकर लुत्फ उठाइएगा। लेडीज जेंट्स व बच्चों के लिए भांति भांति के रंग बिरंगे अनेक डिजाइनों से सजे रेडीमेड गारमेंट्स, सर्दियों के मौसम में काम आने वाले एक से बढ़कर एक गर्म कपड़े, आपके घर को सजाने हेतु साजो सजा का बेहतरीन क्रोकरी आइटम, बेहतरीन मजबूत टिकाऊ शानदार फर्नीचर, आपके शहर ब्यावर में दरबार दरबार मिशन स्कूल ग्राउंड ब्यावर में अवश्य पधारकर शॉपिंग के इस महामेले का जमकर लुत्फ उठाइएगा। आप सभी का आपके अपने दरबार मेगा ट्रेड फेयर मेले में हार्दिक स्वागत है।